हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी इन हिंदी में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का मॉडल सेट 4 के बारे में। आप पहले के जो मॉडल सेट हैं वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर देख सकते हैं। आपके जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये मॉडल सेट 4 है और 3 पहले हो चुका है। इस सीरीज में हम 10 मॉडल सेट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पहला सवाल देख लेते हैं। अब बहुत बार पूछा भी गया इसमें का सवाल है। पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा गुण जो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है उसमें कौन सा गुण है क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है। जो यहाँ पर नीचे गुण दिया हुआ है उसमें से कौन सा गुण है जो क्रिस्टल ठोस का नहीं है, तो इसके आंसर आपको मालूम होगा तो बता सकते हैं कमेंट में। नहीं मालूम था कोई बात नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, यह क्रिस्टल ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, उस आयनिक यौगिक की चतुर्फलकीय आकृति होती है जिसमें R प्लस बाई R माइनस का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होते हैं। वो कौन सा आयनिक यौगिक है, मतलब किसके बीच में होता है R प्लस बाई R माइनस का मान जिसकी आकृति चतुर्फलकीय होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ। जी हाँ दोस्तों, 0.225 से 0.414 के बीच में होता है R प्लस बाई R माइनस का मान, तो उसकी आकृति होते हैं चतुर्फलकीय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, निम्नलिखित में किसका हिमांश और नमन अधिकतम है। जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है उसमें किसका हिमांश और नमन का मान सबसे अधिक है, तो K2SO4 है उसका हिमांश सबसे अधिक होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क, K2SO4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, जल एवं एसिटिक अम्ल के मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है, उस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज निकलना है। जी हाँ दोस्तों, एक मिश्रण है जिसमें 9 ग्राम जल है और 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है, जो मिश्रण है उसमें जल का मोल प्रभाज निकलना है, तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 0.2 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, तो इसका अवकरण विभव होगा। ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का और पूछा गया है अवकरण विभव क्या होगा, तो इसका सही आंसर है -0.67 वोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, Mg और Al के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमश यहाँ पर दिया हुआ है, जो Mg का ऑक्सीकरण विभव है प्लस 2.37 और एक का है एल्युमिनियम का है प्लस 1.66 वोल्ट, तो अतः रासायनिक अभिक्रिया में एमजी क्या करेगा, तो इसका सही आंसर है बी, जो एमजी है एएल को विस्थापित करेगा, जो एल्युमिनियम है एमजी को विस्थापित कर देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, जो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कौन द्वितीयक सेल है बताना है, तो लेड स्टोरेज बैटरी होता है और द्वितीयक सेल होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, लेड स्टोरेज बैटरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 में पूछा हुआ है, एक फैराडे विद्युत CuSO4 के घोल में कितने ग्राम तांबा मुक्त करेगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, 31.75 ग्राम तांबा मुक्त होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ एक समीकरण, इसमें पूछा गया कि इसकी कोटि क्या है, तो कोटि निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो इसका पावर होता है वो पावर को जोड़ देते हैं तो कोटि का मान निकलता है। किसी भी कोटि का मान निकालना हो तो सिर्फ उसका पावर जोड़ दिया जाएगा तो उसका कोटि निकल जाता है, तो यहाँ पर ए का जो कोटि है 1 और बी का है 1/2 और सी का 1/2 और तीनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। इसका सही आंसर है ख, किसी भी का कोटि निकालना हो तो उसका जो पावर होता है
उसको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो कोटि के बाद निकलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 10। 10 में पूछा हुआ है जो पत्थर कोटि की अभिक्रिया होती है उसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर है पर सेकंड, लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या होगा? पर टाइम होगा। टाइम टाइम है तो उसमें सेकंड या मिनट आएगा, इसलिए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का। यहाँ पर कंफ्यूजन दिया हुआ है कि बहुत लोग दूसरा मार्क देंगे। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसकी वेग इस तरह की इकाई होती है पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है समय, तो सेकंड भी समय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर टाइम या पर सेकंड। इसका ऑप्शन में रहता है पर सेकंड, सेकंड पर माइनस वन पावर होता है तो वही आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर टाइम, इसका सही आंसर है। उसमें क्वेश्चन में यहाँ पर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 2SO2 प्लस OG V2O5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो प्राप्त होगा SO3। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो वो अभिक्रिया है विषमान अभिक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रदावन की विधि से बनने वाले धातु मोल का रासायनिक संरचना क्या है। लोहा का निष्कर्षण होता है उसमें धातु मोल प्राप्त होता है, तो उसका संरचना क्या है, उसका सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन CaSiO3। जो लोहा का निष्कर्षण होता है उसमें जो धातु मल प्राप्त होता है उसका संरचना है CaSiO3। इसका सही आंसर है ऑप्शन घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? जी हाँ दोस्तों, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कौन सल्फाइड अयस्क है। तो ग्लेना जो अयस्क है वो है सल्फाइड। और यह भी पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्क का संदर्भ किस विधि द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कम से कम 4 से 5 बार पूछा भी गया है कि सल्फाइड अयस्क का संदर्भ किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का संदर्भ किया जाता है फिन प्लाउन विधि द्वारा। और 14 का जो सल्फाइड अयस्क है ग्लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 16 के नीचे यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है इसमें पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो इसका सही आंसर है HCl। जो HCl होता है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जो यह ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पूछा गया है कि संक्रमण धातु कौन सा है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, अधिक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है कौन है। तो इसका सही आंसर है ख Mn। जो मैग्नीज होता है वह सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो इसका सही आंसर है ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। जो तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल है उसे क्या कहा जाता है। यह ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, वियर अभिकर्मक कहा जाता है। जो तनु अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है वियर अभिकर्मक। उसके बाद 19 में कहा गया है एथिलीन डाइएमिन है। एथिलीन डाइएमिन है, इसका सही आंसर ऑप्शन ख, वाइटेड लिगेंड है एथिलीन डाइएमिन। उसके बाद 20 में कहा गया है यहाँ पे दिए गए केंद्रीय परमाणु आयन के लिए निम्नलिखित किस लिगेंड का CFSE अधिकतम होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी
सीओ का सबसे अधिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 में कहा गया है क्लोरोफॉर्म के सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से क्या प्राप्त होता है जब क्लोरोफॉर्म को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है HCOONa। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 SN1 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित एल्केन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम है तो इसका सही आंसर डी। सबसे पहले होगा आयोडीन, उसके बाद है ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 में कहा गया है C5H5MgBr का निम्नलिखित के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम है जो यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है इसमें क्या क्रियाशील का सही क्रम दर्शाया गया है किस में यह बताना है। इसका सही आंसर है सी, इसका ग सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 ब्यूट वन आइन HgSO4 की उपस्थिति में 20% H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन देता है। इसका सही आंसर फर्स्ट ही होगा CH3 CH2COCH3 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 एसीटेबाइड को फास्फोरस पोटास ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CH3CN प्राप्त होता है। उसके बाद 25 में कहा गया है एक एस्टर को KOH के साथ गर्म किया जाता है तथा प्राप्त विलयन को ठंडा कर अम्लीय करने पर सफेद अक्षेप प्राप्त होता है तो एस्टर निम्नलिखित में कौन होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ख एथिल एसीटेट है सही आंसर। एक एस्टर है जिसको KOH के साथ गर्म करने पर तथा उसको ठंडा कर अम्लीय करने के बाद सफेद अक्षेप प्राप्त होता है तो कौन सा एस्टर है। तो इसका सही आंसर है घर एथिल बेंजोएट जो एस्टर है उसी को KOH के साथ गर्म किया जाता है उसके बाद जो घोल प्राप्त होता है उसको ठंडा करने के बाद अम्लीय करने के बाद सफेद अक्षेप प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर 27 में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन है तो वो है एनिलीन। ऑप्शन बी सही आंसर है एनिलीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 28 में कहा गया है निम्नलिखित में किस विधि में मेथिल एमीन बनाया जाता है। किस विधि से जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इसमें किस विधि द्वारा मेथिल एमीन बनाया जाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के थ्रू बनाया जाता है मेथिल एमीन। तो इसका सही आंसर है ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है इसमें कौन प्राकृतिक बहुलक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक कौन है तो इसका सही आंसर है ग जो रबर है प्राकृतिक बहुलक इस ऑप्शन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलीकरण से उत्पादित होता है जो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है उसमें कौन है जो संघनक बहुलक द्वारा उत्पन्न होता है तो इसका सही आंसर है घ नायलॉन 6.6 संघनक बहुलक द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि जो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है उस बहुलीकरण में से नियोप्रिन प्राप्त किया जाता है जो नीचे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसके बहुलीकरण से नियोप्रिन रबर प्राप्त होता है तो इसका सही आंसर है क क्लोरोप्रिन के बहुलीकरण से नियोप्रिन रबर प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन जुपिटर आयन बनाता है जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है जुपिटर आयन बनाने में सक्षम कौन है। ऑप्शन पांच का सही आंसर है आयन बनाने में सक्षम है तो इसका सही आंसर है ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 प्रोटीन में बीटा प्लीटेड शीर्ष संरचना किसकी उदाहरण है तो यह है सेकेंडरी संरचना का ख इसका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यह बहुत ही आसान सवाल है